आप सभी को मेरा न्यू वीडियो में दिल से स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा है। तो दोस्तों आज में हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाने जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज में हम गुवाहाटी के एक मशहूर क्या बोलता है पिकल जो अचार बेचता है ना, उसके वो भैया के पास में जाएगा और आप लोग को दिखाएगा वेराइटीज ऑफ अचार जो बहुत टेस्टी होता है, ऐसा हमने सुना है। अगर आप लोग आता है तो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा वहाँ पे आके, ठीक है ना दोस्तों। और अभी हम वहाँ पे जाके आप लोग को दिखाएगा क्या क्या अचार मिलता है वो भैया के पास, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अगर नए हैं मेरा चैनल में तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना दोस्तों। अभी चलते हैं अचार वाला के पास गुवाहाटी में, ठीक है। तो आज में हम इधर गुवाहाटी में एक भैया के पास आया है जहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारा पिकल है अचार ना, तो हम सोचा कि इसी को क्या ना आज में ब्लॉग बना लिया जाए और आप लोग अगर गुवाहाटी में आता है तो आप लोग भी खा सकते हैं भैया का अचार है, ठीक है। तो हम उससे अभी भैया से पूछेंगे कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या अचार है और दाम कितना है उसको पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग गुवाहाटी आने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। और भैया को लोकेशन भी हम पूछ लेगा कहाँ पे मिलेगा ये वाला, तो आप लोग आइए और ज़रूर टेस्ट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अभी पूछेंगे भैया से। ये हरा मिर्चा का है? हाँ, ये वाला हरा मिर्चा है दोस्त। ये वाला आपको करुंदा का क्या? अच्छा, ये वाला क्या करुंदा है? करुंदा बोलते हैं, ठीक है। हरा वाला मिर्ची है? अच्छा अच्छा, साबुत मिर्ची। अच्छा अच्छा, मिर्ची ना, राजा मिर्ची। राजा मिर्ची भी है? हाँ। और इसमें क्या वाला है? ये राजा मिर्ची है ना, मिक्स है। हाँ, आम का है, जलपाई का है। अच्छा अच्छा। अरे ये सब ये आपको हरा मिर्ची का छोटा वाला है। अच्छा। लाल मिर्चा कटिंग होगा। अच्छा। लाल मिर्चा स्टफ चिली है। हाँ। ग्रीन चिली कटिंग होगा। अच्छा अच्छा। तब आप हो गया आपका राजा मिर्चा भूज लेते। अच्छा अच्छा। और इधर में मीठा इमली है भैया? इमली है ना, तीखा वाला, खट्टा मीठा है। अच्छा, वो जो हम टेस्ट किया वही था ना। अच्छा, तो भैया ने और एक दे दिया है, हम टेस्ट करके देखता है इसको, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों के लिए फ्रूट होगा, मिक्स फ्रूट का ना, एप्पल का जो किशमिश। अच्छा अच्छा। और ये सब? ये हो गया आपका जलपाई का मीठा। अच्छा। ये हो गया आपका आम का मीठा। कलर देखिए दोस्तों, रंगत बहुत अच्छा है। अच्छा। ये बेर का मीठा वाला अचार होगा। अच्छा अच्छा। चलता का होगा। ये बेल का मुरब्बा होगा। खजूर का अचार होगा। अच्छा। सेब का मुरब्बा होगा। अच्छा। ये आम का जेली होगा। ये नींबू मीठा होगा। ये जलपाई का खट्टा मीठा होगा। ये हो जाएगा आपको टांगरी का अचार। ये हो जाएगा नींबू मीठा मीठा। ये हो गया मिक्स पिकल। दोस्तों अभी हम ये इमली का अचार जो है उसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं आप लोग के सामने में, कैसे लगेगा, ठीक है। टेस्ट करके आप लोग को बोलेगा, बाद में आप लोग को खाने का मन होने से ज़रूर आइएगा, ठीक है। अच्छा है दोस्तों, शायद इसमें गुड़ मिक्स किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो और दिया है ये बेर का अचार। ये वाला हो गया बेरी, आपका बोगरी बोलते हैं असमी इसमें, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये वाला हो गया साबुत मिर्चा वाला, तो भी बहुत टेस्टी है अचार, हम खा के देखा है। तो आप लोग जरूर आइएगा और भैया से यहाँ पे टेस्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मर्चा का ना, तो ये चिल्ली का अचार है दोस्तों। ये इतना तीखा नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी है, आप लोग आके खा सकते हैं। हमको जो बढ़िया लगा वो था इमली का, और जो ये बोगरी का दिया है ना बेरी का, तो उसे पाम का, तो बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो आप लोग जरूर आइए भैया के यहाँ, ठीक है ना। तो अभी हम दिखाएगा अचार को खुल के आप लोग को, वीडियो में बने रहिए एंड तक, जरूर देखिए आज में मजा आने वाला है। ये क्या क्या है भैया? आम का अचार ना, ये वाला आम का सूखा हुआ, ठीक है। ये भी टेस्टी है दोस्तों, बोलने के लिए जाए तो सब कुछ टेस्टी है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोग आइए और टेस्ट कीजिए भैया से, ठीक है ना, और जरूर खरीद के लेके जाइए। तो ये वाला क्या है भैया? आम का मीठा। ये आम का मीठा वाला है, ठीक है। जो पहले खाया वो थोड़ा खट्टा था, और अभी जो खाने वाला है वो थोड़ा मीठा वाला, टेस्ट करके देखेंगे ना दोस्तों। ये भी अच्छा है, बस थोड़ा मीठा ज़्यादा है। तो रोटी का साथ? हाँ, रोटी का साथ बोल रहा है कि भैया ने, खाने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। हम बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारा टेस्ट कर लिया, और एक भैया ने दे रहा है तो और एक टेस्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ये क्या कहे? लहसुन का। ये वाला जो है
ये लहसुन का है, ठीक है ना दोस्तों। आपको टेस्ट करके हम बोलेंगे, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा है दोस्तों। भैया ने बहुत मेहनत से जो दुकान खुला है, तो आप लोग जरूर आइए और टेस्ट कीजिए ना यहाँ पे, और खरीद के लेके जाके घर में भी खा सकते हैं, रोटी हो गया और चावल के साथ में, ठीक है ना दोस्तों। अभी दिखाएगा आप लोग को क्या क्या अचार मिलता है, हम तो टेस्ट कर लिया, बहुत सारा बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए एंड तक, अभी हम दिखाने वाला है क्या क्या मिलता है अचार। ठीक है, ठीक है दोस्तों। भैया ने फिर से और एक दे दिया है हमको टेस्ट करने के लिए। क्या है ये भैया? जलपाई। ये भी ठीक है, जो मीठा वाला था ना वो सबसे वाला हमको इमली, और जो क्या पाम का होता है ना, बोगड़ी बोलते हैं आसाम में, तो वो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और दूसरा सब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सबका टेस्ट तो एक जैसा नहीं होता है ना, सब अपना अपना टेस्ट को चॉइस करता है। ठीक है दोस्तों, फिर से दे दिया है भैया ने, और एक दिया है और टेस्ट किया। ये क्या का है भैया? अच्छा, ये काजू लोग का है, मिक्स फ्रूट का है। देखिए दोस्तों, ये शानदार तरीके से बनाया हुआ है, मिक्स फ्रूट का, ठीक है ना। ये भी अच्छा है दोस्तों, अगर आप क्या बोलते हैं इसको रोटी के साथ और ब्रेड के साथ खाएंगे, तो आपको जाम की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम आप लोग को दिखाएगा भैया से क्या क्या मिलता है। हम तो बहुत सारा टेस्ट कर लिया, हो गया आपका आम, हो गया मीठा आम, हो गया आपका बेरी, हो गया आपका क्या इमली, हो गया और बहुत सारा, हाँ बेल का भी, और क्या क्या बहुत सारा आप लोग को दिखाएगा हम कितना टेस्ट किया है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो में बने रहिए एंड तक दोस्तों। इधर में बहुत सारा पिकल है भैया का, तो आप लोग आने से जरूर आइए और टेस्ट करके जाइए। टेस्ट करने के लिए भी ये आ सकता है, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग खरीद के ले भी सकता है। तो भैया ने बहुत मेहनत से यहाँ पे दुकान लगाया है, तो आप लोग आइए खरीदिए और भैया को भी थोड़ा सा हेल्प करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो हम भैया से लोकेशन को पूछ लेता है अच्छा से। भैया एक बार लोकेशन को बोल दीजिए। हाँ, तो भैया ने बोला कि मालीगांव जो बंधन बैंक का ऑपोजिट में है, ठीक है, ब्रिज का नीचे में, और वो जो कामाख्या मंदिर का पास में। तो जरूर आइएगा दोस्तों और टेस्ट कीजिएगा अचार, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग आइए और टेस्ट कीजिए समटाइम, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तब दोस्तों एंड तक वीडियो में बने रहिए, और हम इसी तरह आप लोग के लिए मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम आप लोग को दिखा दिया अचार का, जो यहाँ पे पूरा ब्लॉग जो यहीं पे बनाया आज में, तो अभी हम इसको एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और नहीं है मेरा चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, देखते हैं कल का वीडियो में, ठीक है, कल का ब्लॉग में फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ।